हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। और अभी टाइम हुआ है, अभी 1:37 हुए हैं अभी। और मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे और वहाँ से ये सामान लेकर आए हैं, किचन का सामान है। और इधर टमाटर, प्याज, ये तो इधर ये आम वगैरह, तो इनको मैं अभी नहीं वो निकालूंगी, बाद में ही इनको मैं निकालूंगी और वॉश करूंगी। और इधर ये बैंगन वगैरह, सब्जी, टमाटर हैं, इनको मैंने वॉश करके यहाँ रख लिया था। और यहाँ पे मैं फली की सब्जी बना रही हूँ, अभी खाना बनाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ और इसमें मैंने प्याज, मिर्ची और जीरा ये सब डाल दिया है और मैं इसको पका रही हूँ। और गैस मैंने बढ़ा दी है। तो मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं इसके अंदर, तो मिला रही हूँ। मैं मसाले डालूंगी, मसालों में मैं ये आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्ची, एक चम्मच धनिया और थोड़ा सा धनिया, और साथ में डालूंगी मैं नमक। और इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी इसके अंदर ताकि मसाले अच्छे से पक जाए और टमाटर है जो गल जाए, और इसको ढककर रख दूंगी। और इधर मैंने आटा भी लगा लिया है, आटा लगा के रख दिया है। और ये दोपहर का टाइम है और मैं लंच ही बना रही हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये है फॉर्चून का सोया चंक्स, सोयाबीन है ये। और इधर मेरे हस्बैंड लाए थे कल, ये इनको बोलते हैं आगरे के पेठे हैं ये। और ये चने हैं, भुने हुए चने हैं। और इनका मुझे पता नहीं है इनको क्या बोलते हैं, लेकिन ये चने से ही हैं, चने जैसे ही हैं। और ये नमकीन के हैं ये, तो ये कल लेकर आए थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इधर मसाला पक गया है और अब मैं इसके अंदर ये फलियां डालूंगी जो गवार की फली है। गवार की फली की सब्जी बना रही हूँ मैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं पराठा बना रही हूँ मेरे बच्चे के लिए यहाँ पर। ये बन चुका है पराठा, इसको मैं रख दूंगी, अच्छी तरह से पक गया है। और मैं दूसरा पराठा डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, सब्जी यहाँ बन गई है और रोटियाँ और पराठे भी मैंने बना लिए हैं। फ्रेंड्स, मैंने सामान निकाल लिया है, जो भी ग्रोसरी का सामान था वो निकाल लिया है। और इधर ये फॉर्च्यून का तेल है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके और कपड़े से साफ कर लिया है। और ये जीरा है, ये माचिस है, ये मस्टर्ड ऑयल की दो बोतलें हैं, इनको भी मैंने अच्छे से वॉश करके और साफ किया है। और ये है कस्तूरी मेथी, और ये दो हींग के हींग है जिनको मैंने वॉश किया है। और ये इस पर स्प्राइन की लिक्विड जेल है, इसको
को भी मैंने अच्छे से वॉश किया है। ये कोलगेट है, ये घड़ी के घड़ी हैं, इनको मैंने धोया है और धो के मैंने अच्छे से कपड़े से साफ किया है इनको। इधर ये चावल है, इनको मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ किया है। दो पैकेट है ये चाय के, हम ये चाय यूज़ करते हैं लाल घोड़ा चाय, तो इनको मैंने अच्छे से वॉश करके और कपड़े से साफ कर लिया है। और ये है अरहर की दाल, और ये है मूंग की दाल छिलके वाली, इनको सबको मैंने अच्छे से गीले कपड़े से साफ कर लिया है। और ये चावल है, और ये है मसूर की दाल, इनको मैंने साफ कर लिया है साफ़ करके और फिर मैंने इधर रखा है इनको। और ये है मूंग की दाल, मोगर की दाल, और ये है चीनी, और ये दो है धूप की बत्तियाँ जो भगवान के धूप करते हैं वो हैं ये। और इधर मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं, जो शाम के दिन के जो खाने के बर्तन थे और वो साफ़ कर लिए हैं। तो अभी 6 बजे हैं और मैंने शाम का जो मेरा काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं इधर ये जो सामान लाए थे टमाटर वगैरह ये भी मैंने वॉश करके धो के रख लिए हैं। इधर ये जो प्याज मैंने आपको दिखाए थे वीडियो में तो इनको भी मैंने धो लिया है, सबको धो के अच्छे से वॉश करके और मैंने यहाँ पे इनको डाल दिया है। और ये फिर अच्छे से सूख जाएंगे फिर यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी जो भी कोई भी सब्जी हो कैसा भी सामान हो उसे धोकर अच्छे से वॉश करके ही यूज़ में लेना चाहिए, और सावधानी ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। तो फ्रेंड्स मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स अब मैं बना रही हूँ चाय, चाय का समय है और मैं बहुत थक भी गई हूँ, तो अभी मुझे चाय पीने की काफ़ी इच्छा हो रही है। तो अब मैंने चाय चढ़ा दी है और इसमें मैं डालूँगी, पानी उबल रहा है, अदरक। अदरक की चाय ही मुझे ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ और दूध, मैं डाल रही हूँ चाय का मसाला और डाल रही हूँ चीनी। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने चाय छान ली है और शाम का टाइम है, आप भी चाय बनाइए पिए और कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने सब डिनर बना लिया है मैंने, और इसमें मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है और इधर मैंने रोटियां बना ली है। और ये सब्ज़ी है ना मैंने लंच में बनाई थी तो ये भी रखी हुई है। और अब मैं इसके अंदर ये हरा धनिया है ये मैं डाल रही हूँ। हेलो एवरीवन, तो फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का था और मैं मेरा ब्लॉग एंड करती हूँ। और आपको गुड नाइट बोलती हूँ, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, तो बाय बाय।